नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आजकल आम तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वयं का दुकान या फिर धंधा खोलकर बैठ जाते हैं, जिससे उनके जीवन का यापन होता है, उनकी जीविका चलती है, उनका पूरा परिवार चलता है। और दोस्तों, इसी दुकान से कई लोग जो हैं अति शीघ्र अत्यधिक पैसा कमाने लग जाते हैं। और दोस्तों, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुकान न चलने की वजह से वो लोग बहुत परेशान रहते हैं और धन का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं, पैसा ही नहीं कमा पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो लोग अपने दुकान से पैसा कमा रहे हैं, धनवान होते जा रहे हैं, तो दोस्तों जो लोग धनवान होते जा रहे हैं वो लोग कुछ तरीके अपनाते हैं जिसकी वजह से ही वो धनवान होते जा रहे हैं और उनके दुकान पर कस्टमर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आप भी उनकी तरह ही कुछ उपायों को अपनाकर अपने भी बंद पड़ रहे दुकान को फिर से चला सकते हैं और अपनी जीविका को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने दुकान को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी दुकान की उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने दुकान को चलाने के लिए कई उपाय किए हों और कई तरह के तंत्र मंत्र आदि के बारे में भी आपने सुना होगा। हो सकता है आपने इसमें से किसी भी उपाय को या मंत्र को, तंत्र को इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन आपको उसका कोई भी फ़ायदा ना मिला हो, आपका दुकान नहीं चल रहा हो। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको अपना कर आप अपनी दुकान की प्रगति और उन्नति कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, यदि आप अपनी दुकान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसका एक उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एक मंत्र विद्या का उपयोग करना पड़ेगा, उसका सहारा लेना पड़ेगा। और दोस्तों, इसका उपाय आपको दुकान खोलने से पहले करना है। यानी कि दोस्तों, जब भी आप सुबह अपनी दुकान को खोलें या किसी भी टाइम आप अपनी दुकान को खोलें, तो दुकान खोलने से पहले आपको एक मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं: ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्यो लक्ष्मी प्रचोदयात। दोस्तों, मंत्र को एक बार और सुनिएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्यो लक्ष्मी प्रचोदयात। दोस्तों, आपको दुकान का शटर खोलने से पहले या दुकान का दरवाज़ा खोलने से पहले इस मंत्र को 7 बार बोलना है। उसके बाद ही दोस्तों आपको अपने दुकान का शटर या दरवाज़ा खोलना है। दोस्तों, कई लोगों के अंदर जरा भी भक्ति भाव नहीं होता है, जिस कारण से वह प्रगति के द्वार पर खड़े रह जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कुछ लोग अपने श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की पूजा और आराधना और मंत्र साधना करते हैं और मंत्र साधना करते हुए आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप भी दुकान खोलने से पहले दिए गए इस मंत्र का जाप कीजिएगा। उसके बाद दुकान खोलकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। फिर आपको रुद्राक्ष की माला से या फिर तुलसी की माला से 108 बार ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और फिर ऐसा करने के बाद धूप बत्ती जलाकर पूरी दुकान में इसकी सुगंध फैला देनी है। ऐसा करने से आपकी दुकान में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपकी दुकान से जो नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट हो जाती है। दोस्तों, इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आपकी दुकान जो है तेज़ी से चलने लगती है और आपका फ़ायदा दोगुना हो जाता है और आपके पास धन लक्ष्मी की कोई भी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में बताए गए इस उपाय को आप ज़रूर से कीजिए। आपका बंद पड़ा हुआ दुकान, रुका हुआ दुकान, रुका हुआ व्यवसाय, व्यापार धंधा जो है चलने लगेगा और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी और आप अपने दुकान से पैसा कमाने लगेंगे, रुपया कमाने लगेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई दुकान है या कोई भी धंधा आपने खोला है, तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कस्टमर से हंसकर बात करनी है। कस्टमर से कभी भी आपको गुस्सा होकर या उनके साथ
भड़काऊ आवाज में आपको बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, उनसे हंसते हुए सौम्य आवाज में ही बात करनी है। और आप इस बात का और भी ख्याल रखिए कि आपको वाजिब रेट में यानी कि सही कीमत में कस्टमर को, ग्राहक को सामान देना है। आपको कीमत बढ़ाकर उनसे मनमानी जो है कीमत वसूल नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक यानी कि लंबे समय तक अपने दुकान को चलाते रहना है तो आपको इन दोनों नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए कि पहला है कि ग्राहक के साथ अच्छे से बात करना है, अच्छे से उनको हैंडल करना है, और दूसरा कि आपको सही कीमत में कस्टमर को, ग्राहक को सामान देना है। दोस्तों, अगर आप इन दो नियमों का पालन कर सकते हैं तो आपका दुकान बिल्कुल डेफिनेटली ज़रूर से चलेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप आज की इस वीडियो में बताए गए लक्ष्मी मंत्र और जो दो नियम लास्ट में मैंने बताए हैं, इन तीनों नियमों का अपना कर आप जो है अपने दुकान को आगे ले जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।